बैक हियर अगेन। आज के इस वीडियो में अनबॉक्स करने जा रहे हैं सैमसंग का गैलेक्सी F13। सो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे, मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सविता प्रेसिंग टाइम है। गाइस अगर हम बात करें इसके पैकेजिंग की, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हमें इसके कुछ बॉक्स कंटेंट्स देखने को मिल जाएंगे। पीछे की तरफ हमें यहाँ पर इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं। सो गाइस अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमें सबसे ऊपर हमारा डिवाइस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमें एक 15 वॉट का ट्रैवल एडाप्टर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर हमें एक टाइप ए टू टाइप सी केबल भी देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर हमें इसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाएंगे। जहाँ पर हमें रीजनल लॉक गाइड और क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते इसके पोर्ट्स एंड बटन्स की, तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक USB टाइप सी, एक 3.5 mm हेडफोन जैक और यहाँ पर एक स्पीकर देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर हमें एक माइक देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके बटन्स की, तो यहाँ पर हमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ हमें यहाँ पर वॉल्यूम बटन्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इसके डिस्प्ले की, तो यहाँ पर हमें 6.6 इंच का PLS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके कैमरा की, तो आगे की तरफ आपको एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि 1080p 30fps तक के वीडियो शूट कर सकता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें इसके रियर कैमरा की, तो यहाँ पर हमें 50+5+2 मेगापिक्सल का सेटअप, रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर हमें एक्सिनोस 850 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके OS की, तो यह आपको एंड्रॉयड 12 देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 1 UI कोर 4.1 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें इसके बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 15 वॉट्स की चार्जिंग सपोर्ट करती है। अगर हम यहाँ पर बात करें सिम कार्ड स्लॉट्स की, तो यहाँ पर हमें 2 सिम कार्ड स्लॉट्स और एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें इसके वेट की, तो ये आपको अराउंड 207 grams के करीब देखने को मिल जाएगा। सो गाइस अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसे सेटअप कर लेते हैं।
गाइस अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।